नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा डॉक्टर साहब जुड़ गए? डॉक्टर साहब विपिन जी जुड़ गए। जी सर। जी सर। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा नमस्ते सर। बस डीसी जी आ जाए जरा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल कोई इशू नहीं। मैं डॉक्टर साहब की स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक मिनट बस। हाँ जी हाँ विजय जी नमस्कार। आगे क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब आगे क्या मुकेश जी? जी सर आ गया हूँ। सॉरी थोड़ा सा दो मिनट लेट हो गया। जी सी बॉस डॉक्टर साहब के मित्र को जोड़ो। दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है सबको? जी सर ठीक है। हाँ जी सर मित्र आपके मित्र महेश जी गुप्ता राजस्थान पत्रिका। नमस्कार जी। जी जी हाँ हाँ अच्छे पार्टिसिपेंट जुड़े हैं आपके आज और इससे लग रहा है कि लोगों में बड़ा एक्साइटमेंट है। डेफिनेटली जो है आपकी एक्सपर्टाइज का सबको फायदा मिलेगा। बिल्कुल स्टार्ट करो विजय जी। हाँ विजय जी अभी दो पांच मिनट और वेट कर सकते हैं ना, थोड़ा सा और जुड़ जाए पार्टिसिपेंट तो अच्छा रहेगा। जहां तक कुछ सवाल जवाब हो जाएंगे बस करते रहें, जुड़ते जाएंगे लोग। अपने अपने सवाल जवाब तो कर ही लेते जब तक। अच्छा डॉक्टर साहब जरा मैं ही पूछ लेता हूँ, जैसे ये जो मिस्टर माइक्रोसिस का बहुत ज्यादा चल रहा है जैसे आपको पता ही है, जी जी बारे में बताएं कि ये क्या जो है ना एक्चुअली क्या काफी एकदम इतने केसेस एकदम बढ़ना इतने जो है और एक साथ जो है ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्टीरॉयड पहले नहीं दे रहे हैं या फिर अपन पहले जो है वो डायबिटीज के केसेस नहीं थे, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि इतना म्यूकरमाइकोसिस का इतना जबरदस्त है वो हुआ? इसमें क्या कुछ मतलब कहने का मतलब है कोई ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट कोई इस तरह की कोई गलतियां हो रही है खुद पेशेंट से कि वो कुछ केयरलेस पेशेंट की तरफ से हो रहा है जिसके कारण वो जो है ना इस इन्फेक्शन की चपेट में आ रहा है या कुछ इस तरह का कोई? जी सर देखो म्यूकरमाइकोसिस है ना ऐसा तो नहीं कि नई बीमारी है, कोरोना से पहले भी थी ये तो आपको पता ही है राइट। तो ये मेनली हम सब में इसके वायरस है, एटमोस्फियर में भी मतलब ये फंगस मौजूद है इस समय, लेकिन जो मेनली है ये इन्फेक्ट जो हमारे मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हमारी नाक के रास्ते से जाता है बिल्कुल, और फिर हमारी नाक में नोस्ट्रिल में अटक के यदि कि ये मेनली उन्हीं लोगों में आपको संक्रमण करता है जो या तो डायबिटिक है जिसमें पूर कंट्रोल डायबिटिक है मेनली जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, या जो आप कैंसर की दवाई ले रहे हैं, या फिर जिनके कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो मेनली उन लोगों में ये ज्यादा ही इन्फेक्ट कर रहा है। और जो इसके प्रारंभिक लक्षण हैं मेनली जो हमें कोविड पेशेंट में देखे गए हैं कि जैसे नाक के रास्ते में अटकता है तो साइनस जैसी दिक्कत करता है जैसे कि नीजल ब्लॉकेज हो गया है, और आपको पता ही है कि इसे ब्लैक फंगस बोलते हैं क्योंकि ये जो अपने जिस भी जगह को इन्फेक्ट करता है उस पर ब्लैक डिस्कलरेशन कर देता है तो इसलिए इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। और जो इसके आप मतलब पोस्ट कोविड में ही इसे ज्यादा सावधानी रखनी है क्योंकि जिस पेशेंट की इम्यूनिटी ठीक है या जो होम आइसोलेशन में है उसको ये नहीं परेशान कर रहा है। अच्छा ये मेनली उन्हीं लोगों में है जो हॉस्पिटल में लंबे टाइम के लिए रहे हैं, ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो गए हैं और जिन्होंने बहुत ज्यादा लंबे और हाई डोज स्टेरॉइड लिए हैं। और उनको कितने दिन तक ये प्रिकॉशन रखना जरूरी है कि वो पोस्ट कोविड की जो है भाई इतने दिन तो कम से कम वो घर पर ही रहे, आइसोलेटेड और रहे और ऐसे एनवायरमेंट से एरियल जो एनवायरमेंट है या कंस्ट्रक्शन वाला है जिस तरह का वहां से वो बचे, और सबसे पहली बात है इसके बाद पोस्ट कोविड में सबसे ज्यादा गलती होती है डाइट को लेके, तो हमें हेल्दी डाइट पे ध्यान रखना है कि हाई प्रोटीन डाइट लेनी है और हाइड्रेशन मेंटेन करना है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है। और इसके अलावा मेन है आपका जो शुगर जो सबसे ज्यादा है कोविड पेशेंट में, हम स्टेरॉइड देते हैं तो शुगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता उस समय, तो पेशेंट को चाहिए कि वो अपनी शुगर पे बिल्कुल ध्यान दे, और जो पेशेंट डायबिटिक है वो उनकी मेडिसिन थोड़े टाइम के लिए इंक्रीज हो जाती है डोज पोस्ट कोविड, तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले और 5 से 7 दिन के बाद फॉलोअप जरूर कराए डॉक्टर को। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक में थोड़ा एक दो थोड़ा सा अभी आज भी अच्छा आज की न्यूज में था क्या था इंक्यूबेशन में जो ये कॉम्प्लिकेशन जितना हो रहा है ना, जैसे इंक्यूबेशन में कहते हैं कि जो इन्फेक्शन के चांसेस जो बढ़ जाते हैं
उससे क्या मोर्टेलिटी का वो ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे इंट्यूबेशन के बाद जो इस तरह का वो आ रहा है कि इसमें एंडोट्रियल ट्यूब के जो है प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती है, या उससे उससे कुछ इतना फर्क पड़ता है क्या मोर्टेलिटी में? सर देखिए, फुल्ली एसेप्टिक प्रिकॉशन होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एंडोट्रियल ट्यूब से सीधा लंग्स को एक्सपोज कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पूरी एसेप्टिक प्रिकॉशन के साथ एंडोट्रियल इंट्यूबेशन करें, और यदि पेशेंट लंबे टाइम इंट्यूबेशन तक रहता है तो डेफिनेटली आपको वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के चांसेस हमेशा रहते हैं, और हाई डोज की वजह से फंगल ग्रोथ के चांसेस रहते हैं। हम अपने पेशेंट को मेनली अब एंटी फंगल पर प्रिकॉशनरी मतलब ट्रीटमेंट शुरू ही कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। जी हाँ विजय जी। हाँ मतलब मैं डॉक्टर साहब डीसी से कहूंगा कि एक बार पुनः मतलब कार्यक्रम को चालू करें, और डॉक्टर साहब विपिन जी का और मुकेश जी डॉक्टर साहब का स्वागत करें यहाँ पर कार्यक्रम में, और विधिवत रूप से इसको चालू किया जाए। जी सर। नमस्कार, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी लोग? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नमस्कार सभी लोगों को, और आज का कार्यक्रम डॉक्टर विपिन कुमार जैन हमारे मध्य में है, और MBBS DNBA गंगापुर की धरती पर आपका स्वागत है। और डॉक्टर मुकेश गर्ग की सहयोग से चलाए जा रहे हैं, और आपने इस कार्यक्रम के लिए हमको समय दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और सभी गंगापुर के शहर के सभी लोग आपसे सवाल जवाब करेंगे, उससे गंगापुर शहर में कोरोना महामारी के बारे में कुछ भ्रांतियां और कुछ जो जानकारी कम है बारे में कार्यक्रम कर ले पाएंगे। आइए आपका स्वागत है। जी सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में कि जो आज का जो कार्यक्रम है हमारा केवल सवाल और जवाब का कार्यक्रम है, तो इसलिए जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर अपना कुछ पूछना चाह रहे हैं वो अपना पहले नाम बताएं और उसके बाद अपना सवाल बताएं, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कौन वहां से क्वेश्चन कर रहे हैं, और बाकी लोग अपने माइक को ऑफ रखें। जी सर। हेलो जी, पूछना जिनको अपना नाम बता के पूछिए, पहले अपना नाम बताइए फिर। जी सी बॉस। हेलो। हाँ जी। हाँ सबसे पहले तो सर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नई दिशा सोसाइटी, भारत विकास परिषद, श्री श्याम सेवा परिवार समिति और मानव सेवा संस्थान जैसी लोक कल्याणकारी संस्थाओं का, जिन्होंने इस कोरोना जो कि जिन्होंने की मुझे इस मंच को प्रदान किया अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़ने के लिए, क्योंकि गंगापुर से हूँ मैं तो डेफिनेटली मेरा विशेष लगाव है यहाँ से। और आप जो संस्थाएं हैं निस्वार्थ भाव से जो लोक कल्याण में लगे हैं गंगापुर में, ये निश्चित रूप से ना मतलब खुशी के विषय है ये, तो पुनः हार्दिक धन्यवाद आपका। ओके धन्यवाद। जी सर। सर स्टार्ट करें? हाँ करिए। जी, जी सर। सर डॉक्टर साहब मुकेश जी। सर कोरोना में लोगों पे व्हाट्सएप पे लगता है पूरी नॉलेज आ गई है, नहीं कोई क्वेरी नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है बहुत रोल प्ले कर रही है। नहीं मैं एक बार एक ऐसा मैं एक निवेदन करूं डॉक्टर साहब विपिन जी से, 10 मिनट आप अपने अनुभव मतलब जो दिल्ली में आप हो अभी हमें करना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन निकले लोगों के। जी जी हाँ, तो मैं पहले ब्रीफ कर देता हूँ कोरोना को लेकर थोड़ा, ठीक है। कोरोना आपको पता है जैसे वायरल डिजीज है, और इसके जो मुख्य लक्षण है फीवर, कफ, गले में दर्द और सांस फूलना है, ठीक है। और जैसे कि हमने सेकेंड वेव में फर्स्ट वेव में तो ये वाले सिम्टम प्रोमिनेंट थे, लेकिन जो अभी सेकेंड वेव आई है जो कि अप्रैल से या मार्च के लास्ट में, इसमें लूज मोशन वॉमिटिंग वाले पेशेंट भी काफी थे, यानी कि हमारे पेट वाले आंतों को भी इन्फेक्ट कर रहा है, तो ये भी अब की बार कोरोना में देखा गया है। तो कई बार पेशेंट आते हैं कि भाई मुझे तो लूज मोशन है, फीवर नहीं है, हम कोरोना एडवाइस करते हैं तो वो बोलते हैं कि हो ही नहीं सकता, लेकिन अब की बार ये पेशेंट में मतलब 25-30% लोगों में GI के सिम्टम देखे गए हैं, और कई बार लोग कहते हैं कि मेरे तो स्मेल आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, तो मुझे कोरोना नहीं हो सकता है, राइट। तो ये केवल 20-30% लोगों में ये टिपिकल फीचर है जो दिखते हैं कि हमें लॉस ऑफ स्मेल हो गया है, लॉस ऑफ टेस्ट हो गया है। और इसके अलावा है ना कोरोना में जो हमें सावधानी रखनी है, जो इस समय कोई भी फीवर और कफ है उसे हमें कोरोना की तरह ही ट्रीट करना चाहिए और आइसोलेशन में चले जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कल ठंडा खा लिया इसलिए हो गया, या मैं बाजार से आके नहा लिया इसलिए गला खराब हो गया। कोई भी यदि आपको फीवर, गले में दर्द लगे
तो डेफिनेटली आपको अपने परिवार से आइसोलेट हो जाना चाहिए, खुद की सेफ्टी और उनकी सेफ्टी के लिए। और अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए कि आपको दवाई शुरू करनी है या क्या टेस्ट कर दें। सेल्फ मेडिकेशन से बचे, सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है। और अच्छा जी एक चीज पूछना चाह रहा हूँ मैं, जैसे कि जैसे आपने इतने सारे सिम्टम्स बताए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कितने दिन में उसके मतलब नकारात्मक परिणाम आ जाते हैं? सर देखिए, कोरोना में है ना दूसरा हफ्ता सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका, छठे दिन के बाद। डिजीज का पहले होता है वायरस रेप्लिकेट होता है, यानी अपने आप की संख्या बढ़ाता है, ठीक है, तो उस समय आपको ये फीचर दिखेंगे। लेकिन जब वो इन्फेक्ट करना शुरू करता है तो सेकेंड वीक में कॉम्प्लिकेशन आपके शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही आपका वायरस फर्स्ट फेज में, आपको उसी समय संभलना होता है, क्योंकि उस समय आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो उसको। सेकेंड वीक में कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, तो आपको पहले वीक पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि आपको होम आइसोलेशन है में कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है, और यदि कॉम्प्लिकेशन होती है तो किस किस चीज का ध्यान रखना है, यदि आपको एडमिशन की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है। नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसे होती है, जैसे कि किसी को कोई सिम्टम्स है, ठीक है, और ज्यादातर हो रहा है, अभी डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं और सरकार भी कह रही है भैया घरों में दवाई लो, हॉस्पिटलों में कम आओ, अगर छोटे मोटे सिम्टम्स है। अगर मान लो बाई चांस कोई दवाई नहीं लेता है तो उसको मतलब कैसे पता लगेगा कि उसको कोरोना हो गया या उसका सही हो गया, उसको कितने दिन में पता लगेगा और कैसे लगेगा? कोरोना के लिए तो आपको टेस्ट ही कराना पड़ेगा यदि आपके सिम्टम है या आप क्लोज कॉन्टेक्ट में है। टेस्ट उसने नहीं कराया मान लो, और वो घर में ही मतलब अपना काटा ले लिया उसने, जो भी ले लिया, और मान लो उसको हल्का फुल्का कोरोना है, कई लोगों को ऐसा है, तो वो कितने दिन में अपना आप सही हो जाते हैं या उनके कितने दिनों में दुष्परिणाम आते हैं, उनको कैसे पता लगेगा कि उनको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ या हो के सही हो गया? सर वही कह रहा हूँ, कोरोना के लिए आपको सबसे पहले अपने फीचर देखने होंगे, क्लिनिकल फीचर है या नहीं। देखो तीन तरह के कोरोना होते हैं, एक होता है एसिम्प्टोमेटिक कि आप जैसे कि घर में किसी को हुआ, आप कॉन्टेक्ट में है लेकिन कोई सिम्टम नहीं आया तो आप एसिम्प्टोमेटिक है। एक होता है माइल्ड सिम्टम्स जिसमें आपको एक दो दिन फीवर आया, फिर आप ठीक हो गए, फिर आपको कुछ नहीं हुआ, तो आपको अपने सिम्टम को मॉनिटर करना है। और पांचवें दिन के बाद यदि फीवर कफ या कुछ ऐसा कुछ रहता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और अब तो घर घर में मेरे ख्याल से पल्स ऑक्सीमीटर सब अवेयर हो गए हैं काफी ज्यादा, तो अपना टेम्परेचर चेक करते रहे और ऑक्सीजन लेवल चेक करें। और एक चीज और आप कर सकते हैं, एक हम होता है 6 मिनट वॉक टेस्ट। हेलो जी जी हेलो, हाँ, तो आप है ना घर पे 6 मिनट चल के देखिए कि आप यदि आपका सैचुरेशन यदि 4 से डिप करता है तो इसका मतलब मानिए कि आपको कोरोना अफेक्ट कर रहा है। 6 मिनट वॉक टेस्ट बोलते हैं इसे, घड़ी में टाइमर लगा के आप 6 मिनट चलिए और अपना सैचुरेशन चेक कीजिए। जी धन्यवाद। देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया बताया आपने, सेल्फ मेडिकेशन की तरफ नहीं जाके, और हमको जो है डेफिनेटली जो है अगर थोड़े से सिम्टम्स होते हैं तो हमें टेलीफोनिकली वाली कंसल्ट कर लें। तुझे कुछ पूछना है क्या? लेकिन जरूरी है कि हम जो है सेल्फ मेडिकेशन तो नहीं करें। सामने आ जा, ये बहुत जरूरी है। अरे ये 2 मिनट के लिए आ जा प्लीज। सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वैसे अपने स्पीकर को म्यूट रखें, अगर क्वेश्चन आप पूछा तभी आप अनम्यूट कर दो, जिससे कि औरों को जो है सुनने में मदद मिलेगी थोड़ा सा। और सर अभी है ना जैसे कि आरटीपीसीआर करा रहे हैं तो काफी पेशेंट की क्वेरी आती है कि सर सिटी वैल्यू 25 है 30 है तो इसका क्या मतलब है? ऐसे में काफी कॉल आते हैं जी। हाँ जी, तो देखिए इस सिटी वैल्यू का मतलब होता है साइकिल थ्रेशोल्ड, यानी कि ये होता है कि वायरस ये टेस्ट होता है पीसीआर पॉलीमरेज एक चैन रिएक्शन होती है, तो इसमें जो सिटी वैल्यू आती है इसमें ये होता है कि कितनी चैन रिएक्शन के बाद उस टेस्ट ने वायरस को डिटेक्ट किया। तो जितना कम होता है ये वायरल लोड बताता है उस टाइम का जिस समय आपने टेस्ट किया। इसका बीमारी की सीवियरिटी गंभीरता से कोई सीधा संबंध नहीं है। पेशेंट बोलते हैं हमारा तो 30 है, हमें तो माइल्ड कोरोना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपने जब टेस्ट किया वो डिजीज माइल्ड फेज में हो लेकिन वायरस बढ़ गया हो, तो ये केवल उस समय की वैल्यू बताता है, इसका डिजीज से कोई मतलब नहीं है कि आपको हल्का कोरोना है या ज्यादा भारी कोरोना है। तो ये सिटी वैल्यू आपकी सिटी चेस्ट की वैल्यू से बिल्कुल अलग है। कभी उसको कंफ्यूजन मान लेते हैं सिटी स्कोर को और सिटी वैल्यू को एक जैसा मान लेते हैं, दोनों का जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सिटी स्कोर जो है अगर ज्यादा है तो इसका मतलब सीवियरिटी ज्यादा है, और सिटी वैल्यू अगर आप ज्यादा है तो उस टाइम का आपका वायरल लोड की सीवियरिटी कम है। लेकिन डेफिनेटली जब एक फेज के बाद में जब जैसे आपका कोरोना जो है एक पीरियड हो गया 20-22 दिन बाद, उसको आप टेस्ट कराते हैं और टेस्ट में जो आपको लगता है यार इस बार बॉर्डर लाइन आपको आया है, कहने का मतलब वायरल लोड आपका कम हो गया है, उस टाइम अगर सिटी वैल्यू 26-30 आ रही है तो आप ऐसे हो सकते हैं भाई धीरे धीरे अब आपका ये बिल्कुल कम हो गया, बॉर्डर लाइन पर चला गया आपका।
सर देखिए है ना सर, ये टेस्ट क्या डेड वायरस भी पिक कर लेता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये कई पेशेंट हमारे हैं जो 50 डेज तक पॉजिटिव आए हैं, लेकिन जो भी एविडेंस बेस्ड डाटा है ना उसमें ये बताया है कि 9 डे के बाद वायरस रेप्लिकेट करना बंद कर देता है और 14 डेज से 21 डेज के बाद पेशेंट ये स्प्रेड करना बंद कर देता है पेशेंट वायरस को। तो आराम से 21 डेज यदि आपके फर्स्ट डे सिम्टम को हो गए हैं तो आप आराम से अपने फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है जो एविडेंस बेस्ड स्टडी बोलती है। क्योंकि टेस्ट आपका डेड वायरस करता है तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि भाई हम तो पॉजिटिव है। तो अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, हम किसी को भी मतलब टेस्ट करा के डिस्चार्ज नहीं कर रहे कि नेगेटिव पे डिस्चार्ज करना है, ऐसा ना गवर्नमेंट किसी भी जगह गाइडलाइन में है ये बात। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी हमारे रिलेटिव ने, खास हमारे रिलेटिव है, उनको 20-22 दिन हो गए, उन्होंने क्या जबरदस्ती करा लिया टेस्ट। मैंने उनको मना किया था, मैंने कहा अब जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने करा लिया। अब आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया, अब टेंशन आ गए, बोले मेरे तो इन्फेक्शन अभी, मैंने कहा था ना मैं नहीं कराने, मैं कि आप बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ जिए, आप बिल्कुल सही है, लेकिन वही है ना टेस्ट कराने के बाद में थोड़ा। वैसे टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो थ्योरेटिकली आपको फिर आइसोलेशन में जाना ही पड़ेगा। हमारे साथ राजस्थान पत्रिका से महेश जी गुप्ता जो आपके हमारे मित्र है वो भी है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो अपना क्वेश्चन कोई करना चाहे करे डॉक्टर साहब से, अपने शायद आप क्लासमेट रहे डॉक्टर साहब को। बिल्कुल बिल्कुल सर, महेश जी नमस्कार। नमस्ते जी, क्या हाल है? बस बढ़िया बढ़िया। मैं ये कह रहा था ऐसे किसी को फीवर आता है, ऐसे आज इवनिंग में किसी को फीवर आ गया जी, ठीक है, और उसको हमने पैरासिटामोल दे दी सिंपल, ठीक है, उसको उसका बुखार उतर गया, अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जस्ट जैसे कि सारे सजेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी डॉक्टर्स भी सारे लोग कहते हैं जैसे सिम्टम्स आता है उसको आइसोलेशन भेज दिया जाए। बिल्कुल, तो मॉर्निंग में बिल्कुल अपडेट रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती, ना बुखार आता है ना कुछ होता है। 4-5 दिन बाद फिर से बुखार आता है, एक दिन के लिए फिर सिंपली उसको पैरासिटामोल दे दी। तो इसको क्या टेस्ट कराना चाहिए या सिंपल उस वक्त के मौसम का अनुभव मान लें इसको, ये क्या माना चाहिए? सर जिस अभी है ना जिस तरह पेंडेमिक चल रहा है तो एवरी फीवर को हमें एज ए कोरोना ही कंसिडर करना चाहिए, और हमें थर्ड डे पे आरटीपीसीआर कराना चाहिए और ब्लड टेस्ट कराना चाहिए सीआरपी डी डाइमर। इससे हमें सपोर्टिव एविडेंस मिलता है कि पेशेंट को कोरोना है या नहीं है, क्योंकि आरटीपीसीआर की जो स्पेसिफिसिटी है 80% है, यानी कि 100 में से 80 को ये पिक करेगा, 20 को ये भी छोड़ देगा। तो पेशेंट के सिम्टम पे जाना चाहिए, उसे डेफिनेटली आइसोलेशन आइसोलेट हमें करना चाहिए ऐसे। तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती उसके बाद? सिर्फ 6 घंटे बुखार, 2 घंटे बुखार रहता है, उसके बाद 5-6 दिन कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या समझा जाए? हाँ, ये कोरोना की तरह ही आप टेस्ट कराइए और कोरोना की तरह ट्रीट करके आइसोलेशन में रखिए। हो सकता है इनकी इम्यूनिटी अच्छी हो इसलिए इनको सिम्टम नहीं है, क्योंकि 100 में से 80 पेशेंट तो अभी भी घर पे ही ठीक हो रहे हैं, 20 को ही हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। लेकिन जो इनके घर में बुजुर्ग है, हो सकता है उनकी इम्यूनिटी कम हो और वो इन्फेक्टेड हो जाए, तो हमें उनको भी तो उनकी भी सेफ्टी रखनी है ना, तो डेफिनेटली हमें इन्हें आइसोलेट करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर। नमस्कार। नमस्ते। मैं ये पूछना चाह रही थी कि सेकंड वैक्सीन के बाद ही जो मतलब कई पेशेंट्स के वापस उनको कोरोना रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस ली जाए और क्या किया जाए, मतलब क्यों रिपीट हो रहा है? एंटीबॉडीज कितने दिन बाद में डेवलप होती है सेकंड वैक्सीन के बाद? देखिए सेकंड वेव के बाद, सेकंड वैक्सीन के बाद सबसे पहले तो हमें बिल्कुल ऐसा कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए कि मुझे दो बार वैक्सीन लग गई है मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता। और हमें जो नॉर्मल सावधानी है कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग ये मेंटेन करनी है। और जो इम्यूनिटी और सेकंड, जैसे कि आपके जो है एंटीबॉडी फर्स्ट वैक्सीन के जो डाटाबेस बताते हैं 3rd वीक के बाद बनना शुरू हो जाती है। अच्छा। और सेकंड जो हम वैक्सीन देते हैं वो उसको बूस्ट अप करती है। अच्छा। एंटीबॉडी तो आपकी सेकंड मतलब फर्स्ट वैक्सीन के बाद बनना शुरू हो जाती है और सेकंड वाली उसको बूस्ट करती है। लेकिन अब ये है कि सेकंड वेव के बाद भी है ना आपके इन्फेक्शन होने का खतरा हमेशा रहता है। आपको जो वैक्सीन है डीजी की सीवियरिटी से बचाती है, इन्फेक्शन से नहीं बचाएगी। तो आपको समझना होगा कि इन्फेक्शन और डिजीज में अंतर होता है। इन्फेक्शन मतलब आपको बीमारी का संक्रमण हुआ है, और डिजीज मतलब आपको उसके लक्षण आए हैं। तो वैक्सीन आपको सीवियरिटी से बचाएगी, तो प्रिकॉशंस आपको हो सकता है। अच्छा, प्रिकॉशंस के लिए वही मास्क वगैरह ये तो यूज करना ही है? बिल्कुल बिल्कुल। घर पे भी करें? नहीं नहीं, घर पे मास्क की जरूरत नहीं है, यदि कोई सिम्टोमेटिक है तो आपको मास्क करना है, अदरवाइज घर पे अपना नॉर्मल रहिए।
किशनगढ़ से सपना बोल रही हूँ जी। किशनगढ़ से सपना जी, क्या 14 दिन ही क्वारंटीन रहना चाहिए या जैसे कि अगर मेरे को 12 डेज हो गए हैं तो मेरे से क्या दूसरों को फैल सकता है या दूसरों से मुझे वापस हो सकता है? बोलते हैं 20 का हो गया आज क्वारंटीन, क्या 20 दिन का हो गया आजकल क्वारंटीन? नहीं नहीं, क्वारंटीन 14 डेज का ही है। 14 डेज के बाद जो गवर्नमेंट डाटा खुलती है कि 14 डेज के बाद आप लोगों के लिए इन्फेक्शन नहीं रहते हो, क्योंकि वायरस की लाइफ आपका हो सकता है टेस्ट पॉजिटिव आए यदि कराते हो, लेकिन वो डेड वायरस पिक करेगा। तो 14 दिन के बाद यदि आपको सिम्टम नहीं है, पहली चीज ये जरूरी है आपको सिम्टम नहीं होने चाहिए। मेरे को सिम्टम कुछ भी नहीं है। हाँ, तो आप आराम से अपना आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। फर्स्ट डे सिम्टम से हम काउंट करेंगे, लेकिन परिवार में है तो क्या मेरे को रिस्क रहेगी? मेरे को देखिए, अभी तो आपकी एंटीबॉडी बनी नहीं है, तो डेफिनेटली हल्के रिस्क में तो आप रहोगे, क्योंकि आपकी एंटीबॉडी अभी कम से कम 2-3 हफ्ते बाद बनेगी थोड़ा। तो उसके एक बार यदि आपको कोविड हो गया और सेम वायरस ने अपने आप को नहीं बदला, तो अगले 2-3 महीने तक आप सुरक्षित रहते हो, यदि वायरस अपने आप को नहीं बदलता है तो। और अगर इसमें खांसी हो जाती है जी, तो वो जाती नहीं है जल्दी से? जैसे कि देखिए निमोनिया का जो कोविड है, मेनली 30% लोगों में तो आपको लूज मोशन वगैरह करता है तो वो ठीक हो जाते हैं, बाकी अधिकांश लोगों में खांसी ही करता है, क्योंकि निमोनिया करता है, निमोनिया लंग का इन्फेक्शन है जो कि खांसी ही करती है। तो इसमें कई बार 3 महीने तक आपको लग जाते हैं, और यदि आपको खांसी है तो आप है ना इनहेलर का यूज कीजिए, अगले 2-3 महीने आपको लगेंगे। इनहेलर तो दिया हुआ है, और इसके अलावा जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए आप या तो घर पे बैलून फुलाइए दिन में 4-5 बार, या स्पायरोमेट्री आती है 3 बॉल वाला वो कीजिए इसमें, लेकिन 2-3 महीने आपके लंग को रिकवर करने में लगेंगे ही। नहीं सर, थोड़ा सा मेरा इसमें एक क्वेश्चन ये था, जैसे आप कह रहे हैं कि जो सिम्टम्स है ना, सिम्टम्स जाने के बाद में 14 दिन आपको क्वारंटाइन रहना है। अब सिम्टम्स जैसे कि खांसी है, खांसी भी एक सिम्टम्स है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमारे जो मेन सिम्टम्स हैं, जो कोरोना के सिम्टम्स हैं, वो चले गए है ना, और अब हमें 14 दिन और क्वारंटाइन रहना है? वो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन वाली स्टेज होती है। नहीं सर, आप सैचुरेशन मेंटेन की, सैचुरेशन हमें देखना है जी। ये मतलब हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट के लिए है, जो हम ऑक्सीजन के साथ घर पे भेजते हैं उनको हम सोशल आइसोलेशन के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो रिकवरी फेज में होते हैं। जो घर पर है जिन्हें सिंपल कफ है और ऑक्सीजन ठीक है, फीवर नहीं आ रहा है, तो वो अपने आराम से घर पे रह सकते हैं। उसके लिए बस सर ये है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग तो हमेशा ही रखनी है, आइसोलेशन नहीं रहना, लेकिन बात घर पर आइसोलेट रहने की है। जो बात है ना वो है कि नहीं नहीं सर, जो मेंबर्स है उनसे आइसोलेट रहने वाली बात है। नहीं नहीं सर, उनसे नहीं रह सकते, उनसे जरूरत नहीं है सर, आपको सिंपल कफ के लिए नहीं है। लेकिन यदि सैचुरेशन डाउन है और ऑक्सीजन पे आप है, तो डेफिनेटली फिर आपको आइसोलेशन में रहना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल और है आपसे कि अगर जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, मान लो उसको कोरोना है या नहीं है, मतलब मेरे बहुत दिन से क्वेश्चन मेरे दिमाग बना हुआ है, तो उसका सैचुरेशन लेवल से कोई इसका तात्पर्य है क्या? मतलब कि उसको कोरोना भी हो जावे, उसका सैचुरेशन लेवल भी 98-97 बना रहे, ऐसा संभव है क्या? हाँ सर, बिल्कुल संभव है। इसी को हम एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड निमोनिया, माइल्ड कोविड बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को 1-2 दिन फीवर आता है, फिर पेशेंट सेटल हो जाते हैं, और 100 में से 80 लोग ऐसे ही होते हैं जिनको कोविड है। सर देखो, सैचुरेशन हमेशा जब आपका डाउन करेगा, जब कोरोना आपके लंग्स में पहुंच गया है, अच्छा अच्छा, और उसने निमोनिया कर दिया है, ये आपका आएगा 2 हफ्ते में। इसीलिए बोल रहे हैं आपका ना डॉक्टर के साथ कांटेक्ट लगातार जरूरी है, बजाय आपने व्हाट्सएप से आप कोई भी प्रिस्क्रिप्शन फॉरवर्ड हो रही है वो आपने ब्लाइंडली ले ली, उन सबसे बचना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों से बात रखना है, सुनिए, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, तो उनको क्या है, जैसे ये है ना, ये उनके एक प्रॉब्लम रहती है जैसे इस तरह से, ये क्या है सर? इसे साइकोजेनिक कफ बोलते हैं, ये एक्चुअली स्ट्रेस इंड्यूस होती है। पेशेंट जैसे अभी आपको पता है कि कोविड में ना ये स्ट्रेस इंड्यूस कफ होती है, साइकोजेनिक कफ बोला जाता है, इसका बीमारी से कोई संबंध नहीं है जो आप बोल रहे हो, ये साइकोजेनिक कफ है। अच्छा अच्छा अच्छा, स्ट्रेस इंड्यूस्ड है। जी जी, धन्यवाद जी। नेक्स्ट कोई अगर अपना क्वेश्चन करना चाहे तो अपना पहले नाम बताएं और फिर डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करें। नमस्कार डॉक्टर साहब, जयपुर से मनोज जैन बोल रहा हूँ। नमस्ते भैया,
तो ये जो डी डाइमर अगर बढ़ा हुआ है तो उसमें क्या करना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए या नॉर्मली अपने आप ठीक हो जाता है डी डाइमर? देखिए इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा बेसिक कोरोना के बारे में बताता हूँ कि ये कैसे बॉडी पे एक्ट करता है, इसको समझने में आसानी होगी। कोरोना का वायरस है ना, तीन तरीके से आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। एक तो ये वायरस है जो सीधा सेल को नष्ट करता है, ठीक है, जिसके लिए हम रेमडेसिविर वगैरह देते हैं। दूसरा है ये बॉडी की कोशिकाओं को नष्ट करता है, जिससे कि आपका, जिसे हम बोलते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो आपका सीआरपी बताता है कि सीआरपी बढ़ गया है। जब भी आप किसी डॉक्टर को दिखाते हैं तो पूछते हैं कि सीआरपी कितना है। तो ये, और तीसरा होता है कि शरीर में खून को गाढ़ा करके नसों का ब्लॉकेज करता है, ये आपको डी डाइमर से पता लगता है। और यदि आपका डी डाइमर बढ़ा है तो इसका मतलब है कि आप इन्फेक्टिव फेज में हो और आपको डेफिनेटली ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसके लिए आपको डॉक्टरी सलाह की बिल्कुल जरूरत है और सेल्फ मेडिकेशन से बचे। दवाई का क्या लेना जरूरी है, मगर बहुत माइनर अगर डी डाइमर बढ़ा हुआ है तो? देखिए माइनर तो ये नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल रेंज इसकी काफी ज्यादा तक होती है, तो उससे ज्यादा बढ़ा हुआ इसका मतलब है कि आपका खून गाढ़ा होना शुरू हो गया है और वो आपकी बेसल और सब, ये कोई सी भी नस को ब्लॉकेज करने का खतरा है इसका। और ये कोविड में बहुत ज्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कि आपकी नसें ब्लॉकेज हो जाती है, चाहे लंग्स की हो, चाहे हार्ट की हो, चाहे ब्रेन की हो, तो आपको मेडिकेशन लेनी है। और हम सब पोस्ट कोविड जो हॉस्पिटल पेशेंट है उन सब में खून पतला करने वाली दवाई देते ही हैं, अगले एक महीने तक हम देते हैं ये, जो भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ है। और ये अभी व्हाइट फंगस और चल रहा है, व्हाइट फंगस भी क्या ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक है? नहीं देखिए एक्चुअली ये मीडिया का टर्म है, ये दोनों बीमारियां पहले ही थी, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस। ये मतलब जो आपका म्यूकर है वो ब्लैक फंगस है और कैंडिडा है वो व्हाइट फंगस है। कैंडिडा भी हमारी बॉडी में नॉर्मल मुंह में या गले में या हाथों में पाया जाता है, ये नॉर्मल फंगी है, आप में मुझ में सब में है। लेकिन वही है कि यदि आपकी इम्यूनिटी लो है, शुगर कंट्रोल नहीं है, या किसी को और ऐसी कैंसर की थेरेपी ले रहे हैं, ये एचआईवी पेशेंट में व्हाइट फंगस मोस्ट कॉमन देखा जाता है। ये मतलब जिस सरफेस को इन्फेक्ट करता है वो व्हाइट हो जाती है, इसलिए व्हाइट फंगस बोला जाता है। लेकिन ये मेनली आपको एचआईवी पेशेंट में सबसे ज्यादा कॉमन है, अभी कोविड में इतने केस नहीं आए इसके। गोपाल जी खंडेलवाल डॉक्टर, गोपाल जी हेलो डॉक्टर जी, बच्चों में अगर फैल रहा है अभी उसका क्या है इसमें सीन? इसका बच्चों में भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, थर्ड वेव के हिसाब से कह रहे हैं भी, और कि बच्चों में बहुत ज्यादा हो रहा है। ये केवल अभी गैस कर रहे हैं गवर्नमेंट, लेकिन बच्चों के अभी स्ट्रेंथ तो आया नहीं है, केवल अभी प्रिजम्पशन है कि भाई आ सकता है। लेकिन इसमें भी सावधानी बड़ों को ही रखनी है, क्योंकि बच्चे तो घर से बाहर जाएंगे नहीं, तो बड़े घर से बाहर सावधानी से जाएंगे तो डेफिनेटली फिर बच्चों को रिस्क कम होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, धन्यवाद। इसमें कोई स्ट्रेन हो रहा है क्या डॉक्टर साहब? मैं पूछना चाह रहा हूँ इसमें कोई स्ट्रेन का भी फर्क है, दिल्ली में जो स्ट्रेन है वो तीसरा स्ट्रेन है, राजस्थान में तीसरा स्ट्रेन है, तो सीवियरिटी भी उसकी अलग अलग है, दिल्ली में आपको अलग सीवियरिटी मिल रही है, राजस्थान में अलग मिल रही है, इस तरह का कुछ है क्या, कुछ स्ट्रेन का डिफरेंस है क्या? नहीं नहीं सर अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो हमारा यही स्ट्रेन चल रहा है, मतलब तीन सर दिल्ली में तो मिक्स स्ट्रेन ज्यादा है, जो क्योंकि इंटरनेशनल रिपोर्ट है और मतलब आपके फॉरेन का इन्फ्लक्स ज्यादा है, इसलिए जो वेरिएंट ज्यादा है दिल्ली में, आपके ब्रिटेन या अफ्रीका वेरिएंट दिल्ली में ज्यादा है। अभी कुछ ऐसी कुछ पॉजिटिव न्यूज है कि कुछ केसेस कम हो रहे हैं, जैसे राजस्थान में तो हम देख रहे हैं कि डेफिनेटली केसेस कम हो रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कम हो रही है और केसेस कम हो रहे हैं। सर केस अभी 1/3 रह गए हैं लगभग, दिल्ली में जैसे मैं आपको बताऊं पहले 100 में से 31 पॉजिटिव आ रहे थे केस, और आज जो कल के गवर्नमेंट के डाटा है उसके हिसाब से 3.7, मतलब 1/10 रह गए हैं केस। पहले 27,000 केस आ रहे थे, कल 2,500 केस आए, हमारे अंडर भी एडमिशन रेट कम हो गई है अभी। नहीं नहीं सर नहीं नहीं, वो दिख रहा है साफ, हॉस्पिटल एडमिशन में दिख रहा है कि पेशेंट, सही बात, बिल्कुल क्लियर कट है कि पेशेंट, बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, बिल्कुल जी, लेकिन हमें सावधानी रखनी है सर, वही है थर्ड वेव के। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन गोपाल जी खंडेलवाल। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, ऐसे पूछ रही हूँ कि मेरी मदर है, उनको वो डायबिटिक है, तो उनको वैक्सीन लगवाना है और उनको ना कोलेस्ट्रॉल भी है, तो उनकी कोलेस्ट्रॉल की टेबलेट कितने पहले बंद करनी पड़ेगी वैक्सीन के लिए? ये किसने बताया कि बंद करनी है? किसी मतलब उनका जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है उसी ने बताया कि कोलेस्ट्रॉल की मतलब टेबलेट बंद करनी है, रोज से 3 दिन के बाद वैक्सीन लेनी है। नहीं नहीं कोई बंद नहीं करनी है, शुगर कंट्रोल होना चाहिए और बीपी कंट्रोल रहे, बस दो चीजों का ध्यान रखना है। तो पहले शुगर और बीपी के एक बार टेस्ट करवाएं, उसके बाद की वैक्सीन करवाएं या ऐसा करवा सकते हैं? हाँ ये कंट्रोल होने चाहिए, बीपी और शुगर दोनों। अच्छा
मतलब वेल कंट्रोल्ड हो, उनकी नॉर्मल जो शुगर है वो भी मतलब 200-250 से अप ही रहती है, हमेशा ही जनरली रहती है। ये किसी की नॉर्मल शुगर नहीं होती, ये पूरा डाइट कंट्रोल या मेडिसिन चेंज होने का मतलब है। ऐसा किसी का नहीं है किसी की नॉर्मल शुगर 250 हो, इसका मतलब है मेडिसिन चेंज की जरूरत है उन्हें। भैया उनकी मतलब उनकी मेडिसिन चल रही है, लेकिन जैसे उनका बीपी भी है तो उनका बीपी 190 एंड 200 ही रहता है, उससे डाउन आता ही नहीं है, कभी नहीं आता। आएगा, आप डॉक्टर को दिखाइए, मेडिकेशन चेंज होंगी, डेफिनेटली आएगा, ऐसा नहीं होता। मेडिकेशन चल रही है पिछले 7-8 साल से, रेगुलर चल रही है, लेकिन सेम कंडीशंस रहती है और वो बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, घर का सब काम करती है। देखो ठीक तो होगी, शरीर है ना बैलून की तरह होता है, आप फुलाते जाएंगे एक लेवल तक स्ट्रेच होता है, लेकिन कभी तो बैलून फटता है, तो शरीर के वेसल्स भी वैसे ही है, प्रेशर एडजस्ट कर रहे हैं, तो हम वेट नहीं कर सकते ना कि इनका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए। तो अभी भी बताइए, बता रहा हूँ कि डॉक्टर से बात कीजिए, बीपी किसी का 190 नहीं होता, मेडिकेशन चेंज होगी डेफिनेटली। या मुझे एक काम कीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेडिकेशन पोस्ट किए, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है और कुछ टेस्ट बताऊंगा, ठीक है? बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन और, जो है मेरा क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, कॉमनली मेरे से पूछा जाता है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ये क्लैरिटी इसकी हो जाएगी। मेंसेज के दौरान कोई वैक्सीन लगाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? ये बहुत बड़ा कॉमनली क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा है डेली, जो है 2-4 क्वेश्चन तो यही आते हैं डेली, मेंसेज वाले पीरियड के दौरान जो है वैक्सीन में कोई इशू थोड़ी है किसी प्रकार का? नहीं सर, कोई इशू नहीं है, एज पर गवर्नमेंट जो भी इंडिकेशन इंडिकेशन उसके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से लगवा सकते हैं सर। ये पार्टिसिपेंट के काफी हाथ उठे हुए हैं, तो एक एक करके इनसे कहो कि अपना क्वेश्चन पूछो। जी अरविंद जी, जैन भगवान जी, भावना जी, सॉरी अरविंद जी, भावना जी, मयंक जी, निशा जी, पहली ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नेता और प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, डॉक्टर को अलग है। सर अब ये तो गवर्नमेंट गाइडलाइन है, गवर्नमेंट सेट कर रही है, बाकी कंट्री में तो एपिडेमियोलॉजिस्ट देख रहे हैं ये सब चीजें। नहीं आपको क्या लगता है? में सर मेरे ख्याल से तो एपिडेमियोलॉजिस्ट को लीड करना चाहिए, मेरे पर्सनल व्यू पूछो तो। हाँ राजनेता कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर का नाम है ही नहीं, आप किसी को पूछो कोई डॉक्टर है जो जानते हो एपिडेमियोलॉजी, इसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट की वैल्यू होती है, लेकिन हमारे बाबू बना रखा है। हाँ वही दिक्कत है, जो लीड कर रहे हैं उन्हें एपिडेमियोलॉजी का पता नहीं है। आपसे भी 3-4 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें बताया कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार, एज पर गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार को क्या पता? वो सर सरकार के ब्यूरोक्रेट्स है ना आपके, जो हेल्थ सचिव है वो बनाते गाइडलाइन देश में, वो बताते कि किसको वैक्सीन लगेगी। ऐसा लगता है जब महामारी बढ़ रही है, डॉक्टर रात में कमान होती तो हो सकता है जल्दी बीमारी काबू में आ जाती। हाँ सर गवर्नमेंट मेन तो वैक्सीनेशन है, यदि 60% पॉपुलेशन को वैक्सीन लग गया तो बीमारी जल्दी काबू में आएगी, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हेलो, जो हर्ड इम्यूनिटी डॉक्टर साहब, इन्फेक्शन से डेवलप हो रही है हर्ड इम्यूनिटी, ये क्या वैक्सीन से जो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी उससे कम कमजोर रहेगी? मतलब अभी जो आप इन्फेक्शन मान लिए पॉपुलेशन में कम से कम 50-60% आ जाइए, आवाज जा रही है वहाँ, तो ये हर्ड इम्यूनिटी जो डेवलप हो रही है ये क्या वैक्सीन वाली इम्यूनिटी से कमजोर रहेगी? नहीं नहीं सर, सर आवाज क्या मिस हो रही है 2-3 आ, एक बार नहीं मतलब सारे स्पीकर बंद कर दें आप। डॉक्टर साहब हाँ आप बोलिए। डॉक्टर साहब सर ऐसा नहीं है, मतलब हम जो पढ़ते हैं एपिडेमियोलॉजी में इसमें क्लियर है कि यदि आपके 60% ऑफ पॉपुलेशन को इन्फेक्शन हो गया है तो वो बीमारी आपकी चली जाएगी, हर्ड इम्यूनिटी उसी से डेवलप होगी सर। तो मतलब आपका वैक्सीनेशन यदि 60% पॉपुलेशन को लग जिस दिन हो जाएगा उस दिन ही बीमारी का आपका पीक मतलब डिक्लाइन की तरफ आ जाएगा बिल्कुल, और ये खत्म होगी उसी समय। नहीं और इसके बाद बूस्टर डोज की हम बात कर रहे हैं, अब ऑलरेडी जो इन्फेक्शन जो ओरिजिनल इन्फेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, इन्फेक्शन का जो प्रेडिक्शन है आई थिंक ये 50-60% इजीली जो है वो स्प्रेड हो चुका है कम्युनिटी में। आप भी इसको जानते हैं अच्छी तरह, क्योंकि जो टेस्ट जो हो रहे हैं जितने भी है वो कितना है, वो आप मान के चलिए 1% भी नहीं है, ऐसे में जो ये जो ऑरिजिनल इन्फेक्शन जो स्प्रेड कर रहा है इससे जो हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी क्या ये सफिशियंट नहीं है, या हमें भी अभी भी वैक्सीन का इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि वैक्सीन की मैं नहीं मानता कि साल भर में हम अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीन लगा,
इस हिसाब से गाइडलाइन अब इन्होंने वैक्सीन का जो इंटरवल ही बढ़ा दिया, पहले जो 4 हफ्ते का इंटरवल था 6 हफ्ते कर 8 हफ्ते अब 3 महीने कर दिए। ये देखिए ये तो सर डाटा बेस स्टडी होती है, जो पहले कोविशील्ड की स्टडी की गई थी उसमें यही था, क्योंकि हमें फ्रंटलाइन वर्कर को बचाना था मेनली, तो जितने जल्दी हो सके लगाओ ताकि हमारे जो मेन फ्रंटलाइन वर्कर है वो बचे रहे जब भी आगे काम होगा। लेकिन जब टाइम मिला स्टडी हुई तो ये आया कि यदि हम कोविशील्ड को 3 महीने बाद भी लगाए तो फर्स्ट वैक्सीन से इतनी इम्यूनिटी हो जाती है कि आपको 3 महीने तक अच्छा लेवल आ जाता है और 3 महीने के बाद आपको बूस्टअप कर देती है। लेकिन कोवैक्सीन ऐसा नहीं आया है, तो कोवैक्सीन तो आपकी 1 महीने के बाद ही लग रही है। जैसे किसी को हल्के फुल्के सिम्टम्स है, बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवा के आ रहे हैं फिर भी, तो उसका क्या मतलब दुष्परिणाम हो सकता है या नहीं होगा? सर बचना चाहिए, जिनको यदि फीवर कफ है तो उन्हें कम से कम ठीक होने के 7 से 14 दिन बाद ही वैक्सीन लगवाना चाहिए सेफ्टी के लिए। जिन्होंने लगवा ली, बहुत सारे लोग मैंने जो मिला, मैं धर्मशाला में भी मिला था, बहुत सारे लोग अभी 5-7 दिन पहले फीवर आया था, गोली ले ली कि यार वैक्सीन लगवा ले ताकि ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, तो उसका क्या मजबूत होने वाला है? सर शरीर कमजोर होता है तो बीमार मतलब वैक्सीन के साइड इफेक्ट ज्यादा आ सकते हैं, मतलब वो अपने आप जान से बूझते रिस्क ले रहे हैं। यानी नुकसान होगा शरीर की भी। सर देखो शरीर की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो रिएक्शन नहीं आएगा, और थोड़ी कम हुई, ये तो लड़ाई है ना आपकी इम्यूनिटी और वायरस की। जी जी, जो मजबूत है वही जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब जी आपका शरीर कमजोर है तो वायरस अटैक कर देगा सर। नेक्स्ट ये सर मतलब जानते बूझते भावना जैन, मयंक जी जैन, कियान जैन, अरविंद जी, इनके आरोप पूछे हुए हैं तो ये अपने क्वेश्चन पूछे। डॉक्टर विपिन, हेलो जी। डॉक्टर विपिन, जैसे कोरोना के टाइम में एंजाइटी की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा हो रही है? बिल्कुल जी जी सर बिल्कुल, ये पोस्ट कोविड पेशेंट में बहुत ज्यादा कॉमन सिम्टम है कि एंजाइटी हो रही है, तो इसके लिए सर है ना सबसे ज्यादा फैमिली सपोर्ट की जरूरत होती है, और आपको अपना पॉजिटिव और जो भी मरीज को जो भी अस्पताल में भर्ती है या कोविड होके ठीक आ रहे हैं तो उसमें आपको पॉजिटिव एटीट्यूड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि अपने आप को पॉजिटिव रखना है, और सबसे ज्यादा जरूरत ही इसी की है। नहीं कोरोना हुआ नहीं है जैसे, और फिर भी एंजाइटी हो रही है तो उसका क्या? सर सोशल मीडिया से बचिए और न्यूज देखना, दो चीजें। आप टीवी में इतना ज्यादा नेगेटिविटी है कि किसी को भी एंजाइटी होगी। हेलो हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है सर, आप दूसरों को म्यूट करिए। डॉक्टर साहब, मुकेश जी, डॉक्टर साहब एक बार सबको ही म्यूट कर दीजिए आप। हेलो भाई, हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, या डॉक्टर सर। सर देखिए यदि नॉर्मल एंजाइटी है तो आपको पॉजिटिव रहने से ठीक हो जाएगी, यदि आप बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हैं, हमारे देश में कल्चर नहीं है लेकिन विदेशों में ना साइकेट्रिस्ट का बड़ा रोल है इन सब में। हमारे देश में साइकेट्रिस्ट को ऐसा मानते हैं कि उधर छुपके जाते हैं लोग, दिक्कत ये है इन सब में सर, मतलब दिल्ली जैसे शहर में साइकेट्रिस्ट काफी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं एंजाइटी के लिए जी, क्योंकि आपको पॉजिटिव ही रहना है इसमें। नहीं बहुत ज्यादा एंजाइटी है और आपकी लाइफ स्टाइल इफेक्ट हो रही है तो फिर आपको साइकेट्रिस्ट से मिलना होगा इसके लिए। नहीं सर, मैं एक्चुअल में क्या, मेरे को भी इवनिंग में ऐसा लगता है कि जैसे ब्रीदिंग नहीं आ रही है, तो मैंने साइकेट्रिक को भी दिखाया है, पूरा सब चीज ट्रीटमेंट ले रहा हूं मैं, फिर भी अभी तक फर्क नहीं आ रहा है मतलब ऐसा। तो सर अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी है वास्तव में तो एक बार बेसलाइन टेस्ट करा के देख लीजिए कहीं और बीमारी तो नहीं है, सबसे पहले तो हमें वो रूल आउट करना है। वो हमने टेस्ट करवा लिए सारी। तो सर फिर तो बस आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग ही है जो आपको पॉजिटिव रखेगी। ओके राइट, और कुछ नहीं है, और इस रिगार्डिंग मैं मेरा भी जो पहले टॉक रहा था वो उसी पर रहा था। एक्चुअली क्या है देखो, एक्सपर्ट मैं कोई कोरोना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन कम से कम कुछ एक मोटिवेशन वाली जो है कुछ कंसेप्ट जो है वो बता सकूं, बस वही मैंने शेयर किया था। तो बिल्कुल जुड़े रहिए आप, मैं इनसे जो पार्टिसिपेंट सबसे कहता हूँ कि आप मेरे से जुड़े रहिए, अगर आपको मोटिवेटेड रहना है तो आप मेरे से जुड़े रहिए। मैं फेसबुक पर लाइव आता हूँ शाम को 8:30-8:30 बजे, आप मेरे से जुड़े रहिए, डेफिनेटली आप मोटिवेट करेंगे अपने आप को। बिल्कुल।
हेलो थैंक यू हेलो 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 हाँ जी सर हाँ जी हाँ हेलो हाँ हेलो हाँ जी सर बोलिए हेलो डॉक्टर विपिन जी अनिल जबलपुर से जी सर जी जी भैया हाँ मैं ये पूछना चाह रहा था मेरा ऑक्सीजन लेवल 94 रहता है मैं जब भी चेक करता हूँ करीब महीने भर से मेरा ऑक्सीजन लेवल 94 रहता है घर में और मेंबर का 97-98 तक पहुंच जाता है तो मुझे जी, क्या जी. करना चाहिए एक महीने करीब हो गया मुझे देखते हुए 94 जब मैं कुछ वॉक भी करके आता हूँ 15 मिनट चेक करता हूँ तो 94-95 तक रहता है योगा करने से 96 तक पहुंच जाता है. आपने कोरोना से पहले चेक किया है आपका कभी या अभी चेक किया है? कोरोना कोई चेक नहीं किया नहीं किया मैंने कोई कोरोना चेक नहीं करवाया. कोरोना से पहले ऑक्सीजन लेवल चेक किया जैसे पहले भी कभी? नहीं मेरे को कोरोना नहीं हुआ मेरे को अभी तक कोरोना नहीं हुआ मैं सेफ हूँ घर के अंदर. लेकिन वो बोलते हैं 94 से अगर डाउन आता है तो टेंशन है आपको. नहीं 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 आपका तो जैसे कई बार होता है जो मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं ना जैसे कि आप पहले काम करते थे इंडस्ट्री में राइट ठीक है हाँ हाँ तो उन लोगों में क्या है कि जैसे कि जो डस्ट वगैरह ना वो लंग को वैसे ही थोड़ा डैमेज कर देती है तो आपके ऑक्यूपेशनल होगा मोस्ट लाइकली क्योंकि आपकी तो मुझे वर्क हिस्ट्री पता है ना तो आपके ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में आता है. तो आपको यदि आप एक काम कीजिए 6 मिनट वॉक कीजिए और यदि 6 मिनट वॉक के बाद फोर से डिप होता है तो आपको चिंता करने की जरूरत है अदरवाइज नहीं कुछ नहीं करना है. मेरा डाउन नहीं होता है 94 मेंटेन रहता है. तो सर भैया आपका वही ऑक्यूपेशनल इंड्यूस है ये जो आप पहले काम करते थे ना तो उसकी वजह से लंग को थोड़ा 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 डैमेज होते होते ऐसा हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है ओके थैंक यू. ठीक है ना ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है 95 जनरल बोला जाता है लेकिन जिसको कोई डिसीज़ और योगा करने से इंप्रूव होगा थोड़ा बहुत. जी जी बिल्कुल योगा बहुत अच्छी चीज है रखकर संभव है तो सर कीजिए. ठीक है थैंक यू. नेक्स्ट नमस्कार डॉक्टर साहब. नमस्ते. हेलो नमस्कार. हेलो हेलो हाँ नमस्कार जी. हाँ नमस्ते बोलिए बोलिए. मैं ये कह रहा था कि जैसे यदि सीएम साहब चालू कर देते हैं ये लॉकडाउन हटा देते हैं और यदि अपन शॉप खोलते हैं और ग्राहक आता है तो उसको अपन किस तरीके से उसको करें मैनेज. ग्राहक तो देख के लेना पसंद करेगा और अपन उससे दूरी बनाए. यदि अपन दूरी बनाएंगे उससे तो वो वैसे ही नहीं देगा. जी सर देखिए सबसे पहले तो आपको सैनिटाइजेशन और मास्क दो चीज अभी तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि डबल मास्क का रोल है क्योंकि ये एयर में भी रहता है और 10 मीटर तक फैलता है तो वो 2 गज दूरी वाली बात तो अब खत्म हो गई है. ठीक है तो आपको मास्क और सैनिटाइजेशन करना है और एक तीसरी बात जहां तक संभव हो ना कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल ना हो तो जो कैश का लेन देन है वो पेटीएम या यूपीआई के थ्रू करें मतलब जितना संभव हो कॉन्टैक्ट से बचे. ठीक है हाँ बाकी सर बाकी तो मैं तो सैनिटाइजेशन का ही रोल है. हाँ बोलिए बोलिए सर. लेकिन जैसे वो आता है वो तो क्या अंदर शॉप के अंदर ही आएगा शॉप के अंदर ही घुसेगा फिर बैठेगा भी साथ में. सर ये तो आपको रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे ना कोविड में भी देखेगा हाथ भी लगाएगा. जी सर ये आपको उसको समझना होगा कोविड में सब नया सीख रहे हैं अब है ना न्यू नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई हम सब की पोस्ट कोविड. अब जैसे कि अब लोग सिटी के बारे में बात करने लगे घर में ऑक्सीजन आने लगी है लोग अपना ऑक्सीजन चेक करते हैं तो ये न्यू नॉर्मल है. आप जैसे ग्राहक को बताएंगे और अपनी एसोसिएशन से प्रोटोकॉल बनाएंगे तो ये भी होगा सर कि ग्राहक अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये रूल तो आपकी एसोसिएशन उसको बनाने पड़ेंगे आपकी सेफ्टी के लिए. वो तो सही है लेकिन जैसे प्लाईवुड में है ग्राहक 4 तरह की चीजें देखता है प्लाईवुड में उसके बाद में उसको दिखाया दिखा के फिर उसको निकाला फिर वो देखेगा हाँ ये सही है. अब मान लो उसने 4 पीस देखे 4 में से 3 उसने रिजेक्ट कर दिए अब 1 पसंद किया है तो वो जो ले अब बाकी के जो 3 रह गए उनके लिए प्रॉब्लम है और जहाँ जहाँ उसने हाथ लगा दिया कहीं भी वो दिक्कत हो गई. बिल्कुल सर अप्लाई को तो सैनिटाइज भी नहीं कर पाएंगे आप ये कर सकते हैं. हाँ तो इसलिए है ना जी नहीं प्लाईवुड सैनिटाइज कर दिया तो खराब हो जाएगा. हाँ वही तो कह रहा हूँ सर इसका तो यही तरीका है बस जितना मैक्सिमम हो सके उतना अवॉइड कीजिए चीजें इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है. तो क्या फिर दूर से ही दिखाएं उसको सर जितना पॉसिबल है क्योंकि ये रूल सर आपकी मतलब आप अकेले दिखाएंगे तो आपके पास ग्राहक नहीं आएंगे तो ये तो आपकी एसोसिएशन मिलकर जो रूल बनाएगी ना सर इस चीज को लेके ताकि सब पास जो भी सबके लिए होगा
तभी ये चीजें होंगी, इसमें तो आपकी एसोसिएशन का रोल ज्यादा आएगा। चलो जी जी जी, अभी अंतिम 5 मिनट बची हैं, जो भी सदस्य सवाल पूछना चाहे शीघ्रता से पूछे, इसके बाद डॉक्टर साहब की दूसरी मीटिंग है, 5 मिनट का समय है, जो भी पूछना चाहे शीघ्रता से पूछे। वैक्सीन को लेके कोई कंफ्यूजन है किसी को? क्या नाम? डॉक्टर विपिन जैन। हेलो जी मामा जी। हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। क्या डॉक्टर विपिन जैन, मेरी विशाख में आवाज आ रही है? हाँ मामा जी आ रही है, ठीक है, थैंक यू। मैं कह रहा था ये व्हाट्सएप नंबर शेयर करना, कभी इमरजेंसी हो जाए तो कांटेक्ट करने के लिए। खुदा ना कोई बात नहीं, क्या है की भगवान से प्रार्थना करेगी अपने परिवार में आए नहीं बीमारी किसी को, पुण्य करेगी अपने आए नहीं। ठीक है डॉक्टर सर। मैं आशीष बोल रहा हूँ मुंबई से। हाँ भाई, हाँ बोल भाई। कल मैंने वैक्सीन ली थी। हाँ। तो रात तक तो मुझे ठीक था, उसके बाद शिवरिंग, कफ, कोल्ड और हेडेक कंटिन्यू है। बिल्कुल जी जी। तो क्या किया जाए सर? ये पोस्ट वैक्सीनेशन है, बिल्कुल कॉमन सिम्टम है, कोई अलग बात नहीं हो रही है। केवल ध्यान रखिएगा, केवल डोलो खानी है, सुबह दोपहर शाम 3 टेबलेट खा लीजिए, 2 दिन तक, तीसरे दिन तक चीजें ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा और कोई पेन किलर और कोई मेडिकेशन नहीं लेनी है, दोनों सेफ है केवल। और कोवैक्सीन और कोविशील्ड में फर्क क्या है? मोस्टली लोग कोवैक्सीन ही प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। जो गवर्नमेंट ने अभी देखिए, अभी जो गवर्नमेंट ने डाटाबेस दिया है उसके हिसाब से बताया कि कोवैक्सीन आपके म्यूटेशन के लिए बढ़िया है, इसीलिए शुरू में तो ये था कि कोवैक्सीन कोई नहीं लगवा रहा था। तो ये सब गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उसके हिसाब से मीडिया पे आता है, उस हिसाब से लोग रिएक्ट करते हैं। तो अभी के डाटा के हिसाब से ये है कि कोवैक्सीन आपका म्यूटेशन के खिलाफ ज्यादा इफेक्ट कर रही है, लेकिन को वैक्सीन को फॉरेन के लिए वैलिड नहीं माना गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सर भैया वो है अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी है, लेकिन दोनों वैक्सीन बढ़िया है, जो भी मिले उसको लगवा लीजिए, ऐसा नहीं कि इसके चक्कर में उसको न लगवाए। दोनों वैक्सीन सुनने में आया स्पुतनिक भी, उसका एक ही डोज लगेगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव है? नहीं नहीं, दो डोज है, अभी लगना शुरू नहीं हुई है, लेकिन डबल डोज ही है। ओके सर, ओके, थैंक यू। हेलो 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 हेलो। हाँ बोलो। हाँ ना, हमने एक वैक्सीन लगवा ली, लेकिन अभी हम कोरोना हो गया तो अब दूसरी वैक्सीन कब लगते? जी जी, कम से कम 3 मंथ का गैप रखिएगा, क्योंकि आपकी नेचुरल इम्यूनिटी तो बूस्ट अप हो ही गई है, तो अभी कोई मतलब 3 मंथ के बाद। 3 मंथ के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, 3 मंथ के बाद लगेगी सेकंड वैक्सीन। सर मैं दक्षिता जैन गंगापुर सिटी से। बोलो टिया। जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि टेरेस पे जाने से जो है कोविड का खतरा जो है बढ़ रहा है, तो टेरेस पे जाना चाहिए या नहीं, और जाएं तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेके जाएं? मेनली मास्क पहन के घूमना है बस, क्योंकि अभी ये बोल रहे कि एयर में भी है तो थोड़ा रिस्क तो बढ़ गया है। नई नई स्टडीज में ये बात सामने आती है, पहले ये था कि टच से होता है, कॉन्टेक्ट से होता है, लेकिन अब जो स्टडी आई है उसमें ये है कि हवा में भी है, तो डबल मास्क पहनिए, क्योंकि अगर पॉसिबल हो तो सर्जिकल मास्क या कपड़े का मास्क पहनते हो तो डबल मास्क पहनिए। ओके थैंक यू। ओके डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये क्वेश्चन मेरा भी था, कोवैक्सीन की दोनों डोज लग गई है, अभी स्पुतनिक आ जाती है तो उसको भी लगवा लेंगे? नहीं नहीं सर, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप 6 मंथ तक तो दोनों वैक्सीन काम करेगी। कार्यक्रम के अंत में सभी लोग सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? जी सर। हाँ विजय जी, कार्यक्रम के लिए डॉक्टर विपिन कुमार जैन ने हमको समय दिया, इसके लिए नई दिशा सोसाइटी, भारत विकास परिषद, मानव सेवा संस्थान, श्याम परिवार सेवा समिति आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। साथ साथ में ही आज जैन समुदाय के सभी समुदाय के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लोग आज जूम मीटिंग में दिखे और इस तरह की आपका सहयोग मिलता रहेगा, आशा करता हूँ डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब मुकेश जी का भी उन्हें बार बार धन्यवाद, अभिनंदन, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर सोसाइटी, विजय गोयल जी और ये आदिशी शर्मा जी, आप बहुत अच्छा शानदार जो है ये प्रोग्राम कंडक्ट करा रहे हैं, और डेफिनेटली गंगापुर क्या गंगापुर के आसपास, और देखिए अब तो पूरे पैन इंडिया में पूरा इंडिया दर्शन हो रहा है, यहाँ पर पूरा भारत दर्शन हो रहा है,
तो कहने का मतलब ये कितना पॉपुलर अपना ये प्रोग्राम है और ये सब आपके बदलत है, आपके प्रयास बदलत है। तो मैं विपिन जी के क्लास में थे अपने, ये अपने कौशल जी बोल रहा वो जुड़े थे हमसे, फिर वो शायद लेफ्ट हो गए बात हो गए। जी जी चलो सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, पुनः धन्यवाद। ऐसे राधे, धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू डॉक्टर विपिन रामैया, थैंक यू सर।